Hey guys, this is SKJ and welcome back to my YouTube channel SKJ Vlog. तो आज हम आप लोगों को लेके जाने वाले हैं एक ऐसे शख्सियत के घर जिनका परिचय देने का मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बिहार के लाल है और वो अपनी शानदार एक्टिंग के दम पे आज भारत के करोड़ों लोगों के दिलों में राज करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बेलवा गाँव के रहने वाले सभी के फेवरेट एक्टर मनोज वाजपेयी जी का। दोस्तों, अभी हम लोग पहुंच गए हैं नरकटियागंज से बेलवा गांव, जहां पे मनोज वाजपेयी जी का घर है। हमारी मुलाकात कुछ लोगों से हुई है जो कि मनोज वाजपेयी जी के बचपन के दोस्त हैं। इनसे चलिए मिलवाते हैं आप लोगों को, आप लोग साथे में पढ़े। हाँ हाँ, ये खेत में से जब मक्की जाते तो गाना भी बनाता था। हाँ। और गुनगुनाता था या पूरा में कस करके ऐसे ऐसे पीटी जाता है। हाँ। आपका क्या नाम है? हमारा नाम प्रेम मुखिया है। प्रेम मुखिया, तब बचपन में यही पढ़ाई लिखाई सब कुछ? हाँ हाँ, बचपन से यहाँ भी पढ़ा हुआ है, मुरली डेरा में पढ़ा हुआ है। पढ़ने लिखने में कैसा थे? पढ़ने लिखने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता था कि नाटक सब करने में? पढ़ाई लिखे में, नाटकों में, दोनों में। वो दोनों में एक नंबर। तो ये है बेलवा गांव। देखिए दोस्तों, कितना हरा भरा गांव है यह बेलवा। यहाँ की जो मिट्टी है वो काफी खास है। इस मिट्टी में जन्म लेने वाले लोगों का काफी नाम होता है, काफी शौहरत मिलता है उन्हें। तो आप देख रहे हैं कि चारों तरफ का कैसा खूबसूरत नजारा है। आप देखिए कितना खूबसूरत है यह बेलवा गाँव। इस बेलवा गाँव का जिक्र हमेशा ही मनोज वाजपेयी अपने हर इंटरव्यू में करते हैं कि काफी खूबसूरत है हमारा गाँव, कभी आइए हमारे गाँव। तो बिल्कुल काफी खूबसूरत है यहाँ के चारों तरफ का जो नजारा है वो मेरे दिल को छू चुका है। और यह जो नजारा हम आपको दिखा रहे हैं मनोज वाजपेयी के घर के पीछे से दिखा रहे हैं, पीछे से कुछ ऐसा दिखता है उनका घर। और यह जो सामने जो सड़क है, यह सड़क आगे मुड़ के उनके द्वार पे चला जाता है। तो चलिए वहाँ लेके चलते हैं और सारा कुछ दिखाते हैं आप लोगों को इस वीडियो में। आगे से वहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक, ये पूरा मनोज वाजपेयी जी का घर है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस लाइन को अगर किसी ने सच करके दिखाया है तो वो है बिहार के लाल मनोज वाजपेयी ने, जो अपनी शानदार एक्टिंग के दम पे आज भारत के लाखों करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पे दिखा दिया कि दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। दोस्तों, इस वक्त हम लोग हैं मनोज सर के घर के आंगन में और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इनका घर है वो आज भी पुराने ज़माने में जैसा घर होता था उसी तरह से इस साइड भी है। और इस साइड से जो है वो नया घर है, देखिए आप लोग। ये सामने घर हुआ है, यहाँ पे मनोज वाजपेयी जी के माताजी और उनके पिताजी अभी रहते हैं। दोस्तों, इस वक्त हम लोग बॉलीवुड के काफ़ी फेमस एक्टर मनोज वाजपेयी जी के गांव में हैं, उनके घर पे। और यहाँ सामने में उनके पिताजी बैठे हैं और उनकी माताजी भी हैं। प्रणाम माताजी। खुश रहिए। तो कैसी हैं आप? ठीक है, बूढ़े माँ बाप कैसे रहेंगे? बिल्कुल, हम लोग यही कामना करते हैं आप हमेशा स्वस्थ रहें। और मनोज सर कब आए थे पिछली दफ़ा? 4 साल हो गया। तो 4 साल हो गए, आप लोगों को मन नहीं करता मनोज सर से मिलने? अभी तो गांव में सुविधा भी है, शहर में तो उतना सुविधा भी नहीं होता है आदमी को। हाँ, शहर में तो और पसंद इनको अच्छा नहीं लगता है। मनोज वाजपेयी जी कितने भाई बहन हैं? 6 भाई बहन। 6 भाई बहन। सुनिए जी, इस घर का एक लड़का मैंने दुनिया में नाम कमा रहा है जी, दूसरा लड़का छोटा जो है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी हो गया। तो मनोज सर के नाम के पीछे एक इंटरेस्टिंग सा कहानी हम सुने थे कि मनोज सर का जो नाम है वो मनोज कुमार के नाम पे रखा गया था, ऐसा? हाँ, तो मनोज कुमार के नाम पर रखा गया। उस टाइम में बहुत मनोज कुमार का था, ये सिनेमा बहुत देखते थे। हाँ, सिनेमा बहुत देखते थे। हाँ। आपके फेवरेट थे मनोज कुमार? मनोज कुमार आइडियल फिल्म बनाते थे। हाँ। हमको पसंद थे। दिलीप कुमार एक्टिंग की वजह से पसंद थे। हाँ, मनोज कुमार का तो जितना भी पिक्चर आता था अपना नाम का असर तो होता ही है। जब मनोज सर बोले होंगे आप लोगों को हम एक्टिंग करना चाहते हैं, मुंबई जाना चाहते हैं, तो कैसा रिएक्शन होगा आप लोग का? क्या रिएक्शन होगा, बच्चे जो चाहते हैं सो करते हैं। हमको बस इतना ही था कि हम हमारे सामने तुम ग्रेजुएशन करने के बाद ही कुछ कर सकते हो। हाँ। नहीं तो बहुत सारे बच्चे हैं कि पढ़ने गए, इंटर कर लिए, छोड़ छाड़ के चले आए। जब तक मनोज ग्रेजुएशन नहीं किए हम इस सब बात पर एग्री नहीं। नहीं, बचपन में पढ़ने में कैसे थे मनोज सर? पढ़ने में ठीक थे, पढ़ने में मन उतना नहीं लगता था, लेकिन पढ़ने में ठीक थे। मन लगता था, पढ़ने में ठीक ठाक थे।
बहुत तेज नहीं थे, बहुत तेज हमारा छोटा वाला लड़का, बीच वाला भी तेज था लेकिन उसका भी पढ़ने में मन नहीं लगता था। छोटा वाला तो इस समय ज्वाइंट सेक्रेटरी है, अभी 2 साल हुआ है उसका ज्वाइंट सेक्रेटरी में IAS हो गया, IAS पहले NSPC में था, हाँ ज्वाइंट सेक्रेटरी तो IAS का पोस्ट होता है। तो दोस्तों हमने आपको दिखाया मनोज बाजपेयी जी का घर जो कि बेलवा में पड़ता है। कैसा लगा आपको यह वीडियो आप हमें कमेंट करके बताएं, और इस तरह की वीडियो आगे देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, यह मेरे इंस्टाग्राम का यूजर आईडी है। मिलूंगा बहुत जल्द इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।